हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 27th ऑफ अप्रैल से लेके 3rd ऑफ मई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। The Witch, Six of Athems, The Wild Hunt, The Holy King, and The Barrel Wagon. Okay, तो हमारे पास है The Witch. The Witch के साथ I think किसी को ऐसा लग रहा है कि अब आप वैसे उनके साथ कनेक्टेड नहीं है जैसा कि एक समय पे आप हुआ करते थे। ये पर्सन ये फील कर रहा है कि आपने अपने और उनके बीच एक बाउंड्रीज ड्रॉ कर ली है। ये पर्सन इस बात को समझ गया है कि अब आप समझ चुके हैं कि वो क्या चाहते हैं। आई मीन ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि इस रिलेशनशिप में आता और जाता रहता है अपनी मर्जी के हिसाब से। छोटी छोटी बातों पे ये पर्सन ब्रेकअप के लिए तैयार हो जाता है या फिर रूठ जाता है, साइलेंट हो जाता है और एक्सपेक्ट ये करता है कि आप उन्हें मनाएं या बिना बात के अपनी गलती मान लें ताकि वो वापस आए। इस तरह की चीजें अब आप और टॉलरेट नहीं कर सकते, ये बात ये पर्सन समझ रहा है। इनफैक्ट समझ चुके हैं अच्छी तरीके से। सिक्स ऑफ एथम्स के साथ जब ये पर्सन यहां से निकला था, निकला से मेरा मतलब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के बीच ब्रेकअप हो गया हो या ये पर्सन बिल्कुल साइलेंट हो गया हो और अब आपसे कम्युनिकेट नहीं करता। जब ये यहां से निकले थे तब इन्हें लगा नहीं था कि आप इन्हें चेज नहीं करेंगे या आप इनके पीछे पीछे नहीं आएंगे। इस पर्सन को ये लगा था कि आप या तो उन्हें फॉलो करेंगे या फिर वो किसी एक्सक्यूज के साथ वापस आएंगे और आप फिर से उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर उन्हें आपको अपोलॉजी ऑफर ही नहीं करनी पड़ेगी, आपसे माफी मांगनी ही नहीं पड़ेगी, अपनी गलती माननी ही नहीं पड़ेगी और बस आप यूं ही उन्हें वापस एक्सेप्ट कर लेंगे। उन्हें बस एक स्माइल करने की जरूरत है। तो ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग इस पर्सन की क्लियर हो गई है क्योंकि द वाइल्ड हंट के साथ मैं देख रही हूं इस पर्सन को एक शॉक लगा है। अनोइंगली आपने इस पर्सन को एक अच्छा खासा सरप्राइज दिया है और इन्हें आइडिया नहीं था कि आप ऐसे बाउंड्रीज ड्रॉ कर लेंगे। ये देख रहे हैं द विच ने एक बाउंड्री ड्रॉ कर रखी है यहां पे। तो इस पर्सन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आप अपने आसपास इस तरह से एक बाउंड्री ड्रॉ कर लेंगे एंड उन्हें अब आपके लाइफ में वापस आने की इजाजत नहीं होगी या वो इस तरीके से तो आपके लाइफ में वापस नहीं आ सकते बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना कोई गलती माने, बस यू ही कोई भी एक्सक्यूज देके। ये पर्सन समझ गया है कि अब आप पहले से ज्यादा होशियार हैं। इनफैक्ट इस स्टार मोमेंट के बाद इस पर्सन की हालत इस होली किंग की तरह हो गई है। एक जंगल में खोए हुए हैं, एक अंधेरे में खोए हुए हैं। ये कोशिश कर रहे हैं रास्ता खोजने की, ये कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसा पाने की जो खो गया है मगर इन्हें लगता है कि इनका ही है। तो डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस बार उन्होंने एक ऐसे पर्सन को खो दिया है जो यूनिवर्स का तोहफा था या जो उनके लिए परफेक्ट था एंड अब ये पर्सन आपको वापस पाने के लिए परेशान है। ओके, यहां पे खड़े हैं ये लैंटर्न लेके, रास्ता देख रहे हैं आपका पर आई डोंट थिंक कि इन्हें कुछ दिखाई दे रहा है। इस पॉइंट पे इस पर्सन को डार्कनेस के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये पर्सन अब सोच रहा है, सोच में पड़ गया है कि उन्हें अपने अंदर क्या सुधारना चाहिए, क्या बदलना चाहिए। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि आपने ये बाउंड्रीज ड्रॉ करना जरूरी समझा अपने और उनके बीच। तो आजकल ये पर्सन अकेले रहता है काफी, लगता नहीं मुझे कि ज्यादा सोशलाइजिंग कर रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं। जितना ज्यादा वक्त हो सके ये अकेले बिताते हैं और आजकल खुद से बहुत ज्यादा बात करते हैं और सवाल पूछते हैं कि उन्होंने आखिर
क्या किया है और आखिर क्या वजह हो सकती है कि आप उनसे इस तरीके से दूर जा रहे हैं, और ये पर्सन इस बात को लेके बहुत परेशान है। द बैरल वैगन के साथ सजिटेरियस ये पर्सन बहुत बेचैन है, आपको रोकना चाहते हैं। ये पर्सन चाहता है कि आप रुके, मुड़ के देखें, पर अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं। ये यहाँ पे है, चैरियट यहाँ पे है, ये इंडिपेंडेंट है, चाहे जिस डायरेक्शन में चले जाएं, पर फिर भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। अभी भी पूरी तरह से ईगो ने इन्हें छोड़ा नहीं है और ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है यहाँ पे। एंड इनके लिए ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पे। आप जितना परेशान है उससे कहीं ज्यादा परेशान ये पर्सन है और कहीं ज्यादा रेस्टलेस है। ये पर्सन आपको रोक देना चाहता है क्योंकि ये लगता है कि अगर आप ये बाउंड्रीज ड्रॉ कर सकते हैं तो आप मूव ऑन भी कर सकते हैं, और ये इनका सबसे बड़ा भयानक सपना है। तो ये जनरल रीडिंग है, वैसे ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 के फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वांड्स, द वर्ल्ड ट्री, द सिड एंड सेवन ऑफ चैलिसेस। तो हमारे पास है सेवन ऑफ चैलिसेस। जब भी सेवन ऑफ चैलिसेस रीडिंग में आता है, सारे भ्रम सारे डाउट्स क्लियर कर देता है, स्पेशली उन चीजों के बारे में जो हमें परफेक्ट नजर आती थी या परफेक्ट लगती थी। तो इस पर्सन को अभी तक लग रहा था कि आपके और उनके बीच का रिलेशनशिप परफेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप खुश हैं और सारी चीजें वैसे ही चलती रहेंगी, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, पर अब ये भ्रम दूर हो गए हैं। इनफैक्ट नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ अब मैं देख रही हूं कि ये पर्सन इतने लंबे समय के बाद, इतना कुछ होने के बाद आपको कमिटमेंट देना चाहता है। फाइनली अब ये रेडी हुए हैं आपको ये कमिटमेंट देने के लिए, और थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ अभी भी सोच रहे हैं कि क्या उन्हें ये स्टेप लेना चाहिए, अपनी तरफ से पहले अप्रोच करने का, या फिर उन्हें वेट करना चाहिए। द वर्ल्ड ट्री के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि आपके आसपास बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, ऐसी चीजें जो आपके लिए यूजफुल नहीं थी वो आपके लाइफ से बाहर जा रही हैं, और यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अच्छा है आपने अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ की है एंड ये डिसाइड किया है कि आप कौन सी चीज को अपने लाइफ में आने देते हैं, कौन सी नहीं, बाकी सारी चीजें यूनिवर्स मैनेज करेगा। द सीड के साथ आप बहुत सारी चीजें ऐसी एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस वीक में जो शायद आपने पहले कभी नहीं की। कुछ मैजिक सा आपको लग सकता है आपके आसपास हो रहा हो, जैसे आप कोई नाम सोच रहे हो या किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो एंड वो पर्सन आपके दरवाजे पे आ जाए मिलने। आप देखेंगे कि आप छोटी छोटी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी सॉन्ग के बारे में सोच रहे हैं, कहीं से आपको वो सॉन्ग सुनाई दे जाएगा, इस तरह की चीजें होंगी। और ये छोटी छोटी चीजें कम्युनिकेट करती हैं हमसे यूनिवर्स के मैसेजेस। इनफैक्ट ये छोटी छोटी चीजें इतनी छोटी नहीं है जितनी नजर आती है, ये यूनिवर्स का पूरा एक जाल है, एक पूरा प्ले होता है हमें डायरेक्ट करने का उस जगह जहां हमें होना चाहिए। तो ये वीक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाला है और बहुत कुछ आप चेंज होता हुआ भी देखेंगे। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है और ओरेकल आपसे क्या कहना चाहता है इस वीक में। ट्रैवल, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि शायद आपको थोड़ी छुट्टी लेनी चाहिए, वेकेशन पे जाना चाहिए, घूमना चाहिए, आपके लाइफ के पर्पस का हिस्सा है ट्रैवलिंग। यूनिवर्स चाहता है कि आप ट्रैवल करें, रिलैक्स करें, चिल करें और अपने आप को खुश रखें। क्योंकि ये सारी चीजें हमें बहुत कुछ सिखाती भी है, ट्रैवल का एक्सपीरियंस हमारी सोल को बहुत ज्यादा रिफ्रेश कर देता है, फिर से हमें तैयार कर देता है नेक्स्ट चैलेंज के लिए। तो यहाँ पे रिलैक्स कीजिए, इस पॉइंट पे, क्योंकि आप वैसे भी बहुत कुछ कर चुके हैं। तो ये है रीडिंग,
इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.